हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि क्या स्टॉक मार्केट आगे आने वाले टाइम में मेजर फॉल आपको स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि काफी टाइम से, लगभग 3-4 साल से जो स्टॉक मार्केट है वो अपने बुलिश ट्रेंड पर चल रहा है। हमें बियरिश ट्रेंड तो देखने को मिला, लेकिन ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं देखने को मिला जिससे मार्केट जो है वो 10-15% तक की गिर गई हो, और या फिर उसको रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग गया हो। तो ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला अभी काफी समय से। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या ऐसा हो सकता है कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर मेजर फॉल दिखाई दे। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आपके इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, हो सकता है आगे आने वाले 1 साल के अंदर हमें ऐसा कोई मेजर फॉल देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें आपको मार्केट जो है वो 10-15% तक गिर जाए और उसको रिकवर होने में भी काफी टाइम लगे। तो इसका जो मेजर फॉल है उसका आने का क्या कारण है, आइए इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आरबीआई एंड सेबी जो है वो काफी ज्यादा चिंता में है, और उनकी चिंता का जो कारण है वो आइए जानते क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले लोग जो है वो आम लोग वो अपना पैसा मेनली एफडी के अंदर ज्यादा डालते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि चाहे एफडी में उनको रिटर्न जो है वो कम मिले, लेकिन वो लोग सेटिस्फाई रहते थे एफडी की रिटर्न से। लेकिन आज के टाइम में मेनली जो यंग जनरेशन है वो अपना पैसा, अपनी कैपिटल, अपनी सारी सेविंग्स जो है वो मेनली स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा डालने लगी है। कारण क्या है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट उनकी कैपिटल को जल्दी ही डबल ट्रिपल कर सकता है, ये ऐसा उनका मानना है। हालांकि उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा भी बहुत गवाया है, लेकिन अभी तक स्टॉक मार्केट का रुझान, उनके अंदर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो मिथ है वो अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वो लगातार स्टॉक मार्केट में ही अपना इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आजकल लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी डालने लगे हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेटर रिटर्न मिलते हैं एफडी की बजाय। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो बैंक है उसके पास एफडी के रूप में पैसा कम आ रहा है आम जनता का। और पहले क्या होता था, एफडी के रूप में उन्हें जो बैंक है पैसा जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता था। अब लोगों ने एफडी की तरफ रुझान जो है वो कम कर दिया है, तो इसीलिए अब अगर बैंक जो है अगर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है तो उसे इंटरेस्ट रेट एफडी की ज्यादा देनी पड़ रही है, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा ले रही है तो वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पर ले रहा है बैंक। तो अब क्या हो रहा है, बैंक को पैसा जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी इंडस्ट्रीज को या फिर किसी आम जनता को अगर लोन चाहिएगा तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर ही देगा। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में या फिर अभी भी जो लोन की रेट है वो बढ़ सकती भी है और बढ़ भी रही है। अब इससे क्या होगा, इससे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोगों का कंजम्पशन जो है वो कम होगा। लोगों का कंजम्पशन कम होगा तो इंडस्ट्रीज में, कंपनी के अंदर सेल्स कम होगी। सेल्स कम होने से इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने से जो कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू है वो भी कम होगी, और इसका सीधा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें इसी वजह से मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये तो हो गया डोमेस्टिक रीजन जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले टाइम में मेजर फॉल दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा मेजर फॉल आने की प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यूएस के अंदर अभी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई डेब्ट चल रहा है। अब ऑल टाइम हाई डेब्ट चल रहा है यूएस के अंदर, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूएस मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाए। अब अगर यूएस मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी तो उसका सीधा इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक मेजर फॉल जो है वो दिखाई दे, और ऐसा 1 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी एक प्रिडिक्शन है। आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर लगाइएगा। आगे तो आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो आपकी तो कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।